सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर सोविया फातिमा, इंटर्न एट नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और अभी चल रहा है मेरा ड्यूटी टीबी एंड चेस्ट वार्ड में, तो आज उसका लास्ट डे है, तो हम सोचे व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं टीबी एंड चेस्ट वार्ड एंड वहाँ पे क्या क्या होता है सब कुछ पूरे दिन का। ठीक है, तो चलते हैं। एंड हम रोज़ा रखे हुए हैं तो अच्छा है। अभी हम कुछ दिन में शिफ्ट करने वाले हैं अपने हॉस्टल, दूसरे हॉस्टल, इसलिए वहाँ पे कुछ दिन बाद, अभी नहीं, तो अभी कुछ दिन और बस ये रूम में रहना है उनका। तो अभी यहीं पे बॉयज हॉस्टल से हम इफ्तार मंगवा लेते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, एक्चुअली ये वीडियो बहुत पहले ही हम शूट किए थे बट अपलोड करने में टाइम लग गया, तो अभी अपलोड कर रहे हैं। इससे अभी हम करेंटली शिफ्ट कर चुके हैं अपने नए हॉस्टल में, बट ये वीडियो बहुत पहले से शूट की हुई थी। तो गाइज आज भी क्या कहता है टीबी चेस्ट का लास्ट डे, तो नहीं पूरा डे जाएंगे ताकि कंप्लीशन साइन हो जाए। अब चलो नीचे उतरते हैं और जाते हैं हॉस्पिटल। बस कुछ दिन और स्कूटी से जाना है, उसके बाद तो हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ही हॉस्टल हो जाएगा। यार कुत्ता बहुत रहता है भाई, एवरीवेयर देयर इज कुत्ता, पिजन, जितना इंसान नहीं उतना जानवर है। सो गाइस हम लोग आ गए टीबी एंड चेस्ट वार्ड में। यहाँ आने के सबसे पहले एक चीज़ करना होता है, मास्क पहन लेना होता है क्योंकि बहुत रिस्क है। कोई बात नहीं, चलते हैं। सो हम आ गए, चलते फिरते अपने वार्ड में। और भी दो लोग आए हैं इंटर्न और ताला लगा हुआ है अभी तक। बहुत जल्दी आ गया, लग रहा ताला भी नहीं खुला है, खुलने का वेट कर। चलिए आपको एमसीएच का टीबी एंड चेस्ट वार्ड दिखाते हैं। तो ये जो एरिया है स्पेसिफिकली, यहाँ पर डॉक्टर्स बैठते हैं सारे, डॉक्टर्स फिर इंटर्न, और ये जो एरिया है मोटरसाइकिल चोर एवं पॉकेट मार सावधान, यहाँ पर पेशेंट्स रहते हैं टीबी के। तो यहाँ पर पेशेंट्स और उनके रिलेटिव ये लोग रहते हैं, ये सारे रूम्स में पेशेंट्स ही रहते हैं। यहाँ आके उनका एग्जामिनेशन, ये सब हिस्ट्री, ये सब लेना हम लोग करते हैं। और ये है हमारे एनएमसीएच हॉस्पिटल के अंदर का दवा खाना, और ये है हमारा हॉस्पिटल। इतना बड़ा हॉस्पिटल है हमारा। गाइस आज सबका इमरजेंसी ड्यूटी है मॉर्निंग, सारे बाकी इंटर्न्स का आज मॉर्निंग ड्यूटी है, तो वो लोग सब लोग टीवी चेस्ट वार्ड में नहीं आ पाए क्योंकि उनका इमरजेंसी ड्यूटी है। तो सब लोग मतलब चार लोग तो इमरजेंसी ड्यूटी में गए हैं, तो हम लोग बस बाकी बचे हुए चार लोग हैं। सो यहाँ पर मेरे बाकी को इंटर्न एक पेशेंट का हिस्ट्री ले रहे थे तो आप देख सकते हैं हम लोग का वीडियो बना रहे हैं। दांत खुलने वाला बीमारी पहले कभी हुआ है? नहीं कभी। ये सब दिक्कत जब से गिरा है ऑपरेशन के बाद ये सब दिक्कत है। और फिर हम भी जाके पेशेंट का हिस्ट्री लेना शुरू कर दिए क्योंकि हिस्ट्री लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जानने के लिए कि वो पेशेंट को क्या बीमारी है, कैसे उसको ये बीमारी हुई, और कोई पहले से बीमारी है कि नहीं, उसके फैमिली में किसी को ये बीमारी है कि नहीं। उसके बाद टीबी एंड चेस्ट वार्ड में पीजी बॉस हम लोग को एक पेशेंट का एक्सरे दिखाने लगे जिसको हाइड्रोनिमोथोरैक्स भी था और उसके साथ ही ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी था। इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं? तो हाइड्रोनिमोथोरैक्स था मतलब उसके लंग में पानी था, तो वो निकालना जरूरी था, इसलिए पीजी मैम प्लूरल टैपिंग करने लगी। तो वो हम लोग को भी फिर पीजी बॉस बताने लगे कैसे प्लूरल टैपिंग करते हैं। देखो डायरेक्शन देखो, अगर हम लोग यहाँ से जिधर की ओर एरो नहीं है उधर की ओर क्लोज है, समझ गया? तो इसे ये पुश करेंगे तो सारा इधर की ओर डायरेक्शन में हमारा बॉटल में सारा सैंपल कलेक्ट हो रहा है। अच्छा, वो बंद हो गया तो उधर ये बंद हो गया। अब इसको खोलना है उधर से, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्लोज करना होगा, तो ये जिधर नॉन एरो वाला एरिया है उसको उधर लाना है। तो ये अब बंद हो गया, अब फ्लो ऐसे हो गया लीनियर, तो हम लोग ऐसे करेंगे खींचेंगे तो आ जाएगा। फिर हम लोग को पुश करना है इसको। उसके बाद हमको भी पहली बार प्लूरल टैपिंग करने का मौका मिला, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और थोड़ा डरे भी हुए थे, नर्वस भी थे, बट एक्साइटेड ज़्यादा थे क्योंकि ऐसे लंग से फ्लूइड निकालना तो थोड़ा डर तो लगता है, बट फिर बॉस बहुत अच्छे से बता दे रहे थे। यही सब तो होता है इंटर्नशिप से में, इंसान सीखता है इंटर्नशिप इसी दिन के तो होता है कि सारा थ्योरी नॉलेज तो पता है बट सारा प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाए अच्छे से। सो गाइस भी हम प्लूरल टैपिंग करना सीखे, तो अभी पहले उनके लंग का पानी निकाल दिया जा रहा है, वो प्लूरल टैपिंग से होता है, तो वही अभी हमको बहुत सिखाए, तो आप लोग देखे वीडियो तो अच्छा लगा। आज लास्ट डे सीखे कुछ नया। ये हम लोग का क्लासरूम टाइप का एरिया था, यहाँ पे सर लोग पढ़ाते हैं, जैसे ये रूम ही हम लोग पढ़ा रहे हैं। नहीं बाकी को इंटर्न्स चले गए, हम भी चल जाएंगे थोड़ी देर में। सो अभी हम अटेंडेंस बना लेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे हॉस्टल, अपना नया हॉस्टल देखने के लिए। उसमें कुछ करना है, उसमें सफाई करा दी है, तो उसमें एक बेड डालना है, उसमें चादर वादर बिछाना है, तो उसी के लिए हम अभी जाते हैं हॉस्टल और आप लोगों को दिखाते हैं। यस
सो गाइज ये है मेरा नया हॉस्टल, अब हम वहीं जाने वाले हैं। कितना खूबसूरत है ना। अभी हम पता है क्लीनर भैया को 200 रुपया देना था, नहीं था तो गौतम से हम चेंज मांगे, मेरे पास कैश रहता ही नहीं। सो गाइज ये है मेरा हॉस्टल, इसी में हम शिफ्ट करने वाले हैं। तो वहाँ है अपना रूम थोड़ा ठीक ठाक करने के लिए। ये है मेरा स्कूटी और हम जा रहे हैं अंदर। जैसा कि आपको बता दें कि लिफ्ट भी है मेरे हॉस्टल में। हाँ अभी नया नया बना है तो थोड़ा डरावना तो लगता है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सब शिफ्ट हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। टेंडर लग जाएगा इसका अप्रैल से, तो अच्छे साफ सफाई भी हो जाएगा। तो अब हम लोग जाते हैं मेरा फ्लोर। अब हम जाएंगे लिफ्ट से ऊपर, चलते हैं आपको दिखाते हैं इसका रूम। ये है एकदम प्यारा सा कॉरिडोर मेरा। तो चलिए अब मेरे रूम के अंदर देखते हैं। उसका हालत अभी थोड़ा खराब है बट उसको ठीक करेंगे हम लोग मिलकर, चलिए साथ में। सो गाइस दिस इज माय रूम, ये है मेरा रूम, ये है मेरा रूम, ये है टेबल। गाइस मेरे होने वाले रूम में ये नेट है, आई मीन नेट वाला कितना अच्छा है, मच्छर नहीं आएगा गाइस। नेट नेट वाला विंडो इधर भी और इधर भी, और व्यू एकदम ग्रीनरी, ये मेरा एंट्रेंस है, मजा आ गया गाइस। आई एम सो एक्साइटेड कब शिफ्ट होंगे हम। अभी एक और हम सोच रहे हैं ना बेड इसके साथ अटैच कर दें, वो बाहर ले गए थे वही करते हैं। गाइस बहुत ही मुश्किल से हम बाहर से इतना दूर से ये वाला बेड लेके आए, इसको हम पोछेंगे फिर इस पर गद्दा लगाएंगे, बहुत थक गए भाई। सो गाइस बहुत मेहनत के बाद ये लास्ट डिसीजन पे हम पहुँचे और अभी इसको पूरा अपने से किए, इसको रोज़ा में इतना सब कुछ भाप रहे। तो हम अब जाके रूम आए वापस 3:40 में, इतने ज़्यादा थक गए हम। इस प्यारे से बिस्तर पे कुछ देर सोएंगे, उसके बाद उठ के नहाएंगे, उसके बाद फिर वजू बनाएंगे, उसके बाद फिर इस प्यारे बिस्तर पे थोड़ी देर के लिए सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर नहाएंगे, फिर रेडी होंगे, फिर इफ्तार करेंगे। गाइस बिग बास्केट से बहुत सारा सामान अभी जस्ट मंगाया बीबी नाव से। तो ये झाड़ू है सब नया हॉस्टल के लिए, ये मंगाए हैं, एक टैंग मंगाए हैं साफ करने वाला मंगाए हैं, डेट्स मंगाए हैं, कैंची सब बिग बास्केट से मंगाए हैं, सोडा। तो आज मेरे लिए ज्योति है ना बिरयानी ले आई थी, उसके साथ हम ये खरीद लिए डेट्स, और ये मैं मटन भी ज्योति लाई थी और रायता हम खुद से बनाए। तो मेरा बहुत मस्त होने वाला है आज का इफ्तार, और उसके साथ ही हम टैंग बना रहे हैं, टैंग के अंदर हम सोडा डालेंगे टैंग के ऊपर, बहुत टेस्टी लगने वाला है। ओह माय गॉड, सोडा भी मंगा लिए थे, यस मजा आएगा। इफ्तार खुलने में अभी 10 मिनट है तो इसलिए हम अभी उस टैंग को ऐसे डाल लिए, इस पर सोडा नहीं डाले हैं एंड रायता खुद से बनानी है, हम बस वेट कर रहे हैं और अब दुआ पढ़ेंगे। रूम का हालत बहुत ख़राब है, आप मत देखिए क्योंकि अभी हमें पूरा ठीक करने वाले हैं क्योंकि हमको शिफ्ट होना है। ये रूम कितना छोटा था, यहाँ से शुरू हुआ वहाँ ख़त्म हो गया, वो रूम कितना बड़ा है। नॉर्मल पानी तो हम लेना ही भूल गया था, तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, नॉर्मल पानी के बिना थोड़ी कुछ होगा। सो गाइज हम सोचे कि हम थोड़ा थोड़ा पैकिंग करके एक बार ले जाते हैं सारा सामान, तो थोड़ा सा सामान अभी हम पैक कर रहे हैं, एक ट्रॉली ले जाते हैं, वहाँ पर तुम्हारा खराब हो गया। सो गाइज हम एकदम थक गए हैं, तो अब हम थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, तो हम टैब से वीडियो देखेंगे एंड लेटे लेटे ही देखेंगे, एंड अगर मन किया तो उठ के पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सहरी करेंगे, रात में फिर सो जाएंगे। बाय बाय बाय।